inside my body persona. अपने बाइक को अभी यहाँ पर धक्के देते हुए लेके जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने गांव और अपने प्यारे दोस्तों के साथ में। हेलो कर दे यारो। हेलो। सो आज के व्लॉग किस बारे होने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा रोमपुर। रोमपुर किस काम के लिए जा रहे हैं? आज हमारे गांव में ना एक हमारे गांव के भाई अभी खिम्पू बन के आ रहे हैं। खिम्पू जिसको बोलते हैं ज्ञान के महासागर, जिसके पास होते हैं खिम्पू। और हमारे गाँव में भी सबसे फर्स्ट खिम्पू होगा जो अभी इतना ज़्यादा पढ़ाई करके अभी क्या बोले एक सफलता कायम करके अभी आ रहे। सो हम लोग ना आज रिसेप्शन के लिए जा रहे हैं रोमपुर तक। सो अभी कहीं लोग जो अभी क्या बोलते हैं कहीं लोग पहले जा चुके हैं यहाँ से बागडोगरा एयरपोर्ट। सो हम लोग यहाँ से सीधा रोमपुर जा रहे हैं। आज हम ना हम चारों है यहाँ पर बाइक स्कूटी पर जा रहे हैं। सो आज यहाँ बाइक स्कूटी है, ये दोनों पीछे बैठेगा और मेरा भी बाइक है, आप लोगों को पता होगा। सो बाइक में भी हमारा फ्लैग सब कुछ रेडी है, बुद्धिस्ट फ्लैग। सो आज रिसेप्शन के लिए जा रहे हैं। सो पूरा व्लॉग देखना काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो सही है, अभी आप लोग रेडी हो? रेडी। सो सही है, चलो अभी। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं रोडों पे और अपना बाइक स्कूटी यहाँ पर है। सो अभी हम लोग लगा रहे हैं इस पे झंडे बांध रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सिंगताम और अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए। और हमारे साथ जितने भी गाड़ी थे आगे जा चुके हैं और आते वक्त साथ में आएंगे, हम लोग आगे आगे चलेंगे, जो गाड़ी में आ रहे हैं वो लोग पीछे आएगा। सो अभी हम लोग आए हुए थे यहाँ पर फ्यूल भरवाने के लिए, 1, 2, 3। तो सही, अभी फ्यूल भरवाते और निकलते सीधा यहाँ से रोमपुर की ओर। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रोमपुर और रोमपुर आते ही देख सकते हैं यहाँ पर हमें दर्शन हो चुका है। लगभग मानो इस तरह से WB की तरह। और अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत टाइम है, अभी किरनी आप पहुँच चुके हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे उसके बाद में आएगा। और सही है, हम लोग सही टाइम पर पहुँच गए और यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3 वहाँ पर 4 है। सो अभी कहीं लोग काफ़ी सारे गाड़ी है अभी यहीं रोमपुर आगे में। हम लोग थोड़े यहाँ पर आके ऐसा ही हवाई ले रहे थे, नदी के सामने है। तो नदी देख सकते हो, पूरा कपड़ा काला नदी है क्योंकि कहीं पर ऐसा ही लेंस लाइट हो रखा होगा इसीलिए थोड़ा बहुत पानी काला आ रहा है। सो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और यहाँ का गर्मी ना पूछो मत, इतना ज़्यादा है। सो गाइस अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर, देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारा ये रोमपुर का मेन हाईवे वाले ब्रिज पे। सो देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सो अभी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और देख सकते हो अभी भी कहीं लोग आना बाकी है। सो अभी हम लोग यहाँ गर्मी पे वेट कर रहे हैं। सो सही है, अभी कितने टाइम लगते देखते हैं अभी। सो गाइस अभी हम लोग ऐसा ही घूम रहे थे और अभी एक कांड हो चुका है, मेरा ना पूरा का पूरा बाइक से मोबिल निकलने लगा, थोड़ा बहुत ऐसा ही स्कूटी से टक्कर मार लिया यहाँ पर देख सकते हो। और अभी धक्के देते हुए लेके जा रहा है यहाँ पर अपने बाइक को, अभी यहाँ पर धक्के देते हुए लेके जा रहे हैं। उफ, ये सब तो होना ही था साला। सो गाइस फाइनली हमारा बाइक बन चुका है, प्रॉब्लम हुआ था यहीं आगे पेट्रोल पंप के साइड पे। सो यहाँ ना एक नशा काटने से जो खून निकलता है ना ऐसा ही निकला आ रहा था। सभी देखो फाइनली हमें हमारा बाइक बन चुका है, चलो। ओ मैं सोच रहा था कि एक बार के लिए खतरनाक वाला भयंकर वाला चूना लग चुका है, मुझे लगा कि ये ना यहाँ टूट गया और यहाँ से खून निकल रहा है, लेकिन खून नहीं, आई थिंक मोबिल। और बाद में यहाँ पर ये बिगड़ा हुआ था लेकिन फाइनली बना दिया भाई ने। ओ भाई थैंक यू। सो गाइस अभी हम लोग फिर से फाइनली हम लोग रोड पे आ चुके हैं और अभी पता चला कि अभी आप पहुँचने ही वाले हैं। और हम लोग ना थोड़ा बहुत टाइम है इसीलिए हम लोग घूम रहे थे ऐसे ही। सो घूमते ये सब होना था साला, बेकार में बाइक ठुक गए, लेकिन फाइनली जो भी हो बन चुका है बाइक, अभी सही सलामत चल रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पर वेट करते करते अभी पता चला कि यहाँ पर हम लोग सोच रहे थे कुत्ता सो रखा है लेकिन यहाँ पर तो मर रखा है।
गाइस फाइनली रिसेप्शन हो चुका है, सो अभी सब लोग एक ही लाइन पे चलते हैं। यहाँ पर पीछे पे सब आ रहा है, खेमपुर साहब भी यहाँ पीछे पे है। सो चलो अभी हमारा बाइक यहाँ पर है, वहाँ से लेके यहाँ से वहाँ तक पूरा का पूरा हमारा ही गाड़ी है। सो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं, और निकलते वक्त भी थोड़ा बहुत ऐसा ही सिनेमेटिक शॉट बनाएंगे, आप लोग चेक करना सही है। कालो किस मारे लिमाई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रैली माई बिताउला जीवन कालो किस मारे लिमाई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रैली माई बिताउला जीवन अभी हम लोग चलते चलते आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, और अभी हम लोग निकल रहे सीधा खेमपुर के घर की ओर, और अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। यहाँ से अभी थोड़ा सा ही रास्ता बचा हुआ है, सो फिलहाल अभी हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा रेस लिया है हमने, क्योंकि इतना लंबा रास्ता अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं, सो थोड़ा बहुत रेस करके और उसके बाद सीधा निकल जाएंगे हम लोग घर। और अभी टाइम बता दूँ 2 बज चुके हैं फिलहाल हम लोग आधा रास्ते पे। सो अभी यहाँ पर देख सकते हैं अभी 2-3 गाड़ी ना वैसे पीछे छूट रखा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर उन लोगों का वेट भी कर रहे हैं, सो वेट कर दिया और सीधा निकल गए। सो गाइस फाइनली अभी गाड़ी आ चुका है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सो आज ना ये वाले बाइक ने ना तबाही मचा रखा है, काफ़ी अच्छा खूबसूरत साउंड है। सो थोड़ा बहुत मैं साउंड सुनाता हूँ आप लोगों को, और थोड़ा बहुत यहाँ से आगे तक लेके भी जाऊँगा। सो थोड़ा ये जल्दी करना यार, थोड़ा जल्दी आ जा, थोड़ा बहुत चलाएंगे लोगों को दिखाएंगे ऑडियंस को साउंड वगैरह, थोड़ा बहुत आगे जाता आगे जाता आगे जा तो गाइस थोड़ा बहुत तो चला लिया मैंने भी, और कैसा लगा बताना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा। इसका ना ये अंदर का अलग ही मुड़ता है, ये सर नहीं मुड़ता, इसीलिए थोड़ा बहुत साइको साइको लगता है, लेकिन जो भी हो साउंड एक बार सुनाता हूँ आप लोगों को साउंड। दोस्तों साउंड भी मैंने सुना दिया आप लोगों को, और अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहे हम लोग, आपसे मिलेंगे सीधा यहाँ से घर जाके।
सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज द नेक्स्ट डे। और कल ऐसा ही थोड़ा बहुत फ़ोन में चार्ज भी नहीं था और वैसे लाइट नहीं था हमारे गांव में, इसलिए आप लोग ने देखा होगा थोड़ा बहुत वो केक काटते वक्त गुम्पा के जो व्लॉग था उनमें ना थोड़ा बहुत लाइट नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत अंधेरा अंधेरा, इसलिए मेरा फ़ोन भी थोड़ा बहुत अंधेरा था, इसलिए फ़ोन ऐसा ही स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं की। लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, हम लोग गए हुए थे रिसेप्शन के लिए, रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छी तरह से हुआ, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, सीधा रोमपुर से आए हम लोग, सीधा गुम्पा में आए गाँव और गुम्पा में उसके बाद में खिमपुला के घर में गए, एक तरफ से मान लो सेलिब्रेशन की तरह की केक वगैरह काटा और काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़े की, काफ़ी अच्छा लगा हमें भी। आई होप आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अभी फिलहाल मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा और मैं भी अभी ऐसा ही गांव में ही हूँ। मैं गांव में किस लिए हूँ, क्योंकि मेरा अभी ना डॉक्यूमेंट्स का काम चल रहा है, इसीलिए मैं ऐसा ही काम वगैरह अपनी डॉक्यूमेंट्स के काम वगैरह कर रहा था, इसीलिए मैं अपने गांव में हूँ। जैसा डॉक्यूमेंट्स का अपना काम खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा यहाँ से घंटों। सो अभी सही है, आज भी फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से जीपीओ, और आज ब्लॉग बनेगा नहीं बनेगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी हो अच्छा लगा। हमारे गाँव में भी अभी सबसे फर्स्ट खेम्पू है, सो दिल से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ मैं। और डॉली गुड मॉर्निंग माँ। तो दोस्तों सही है, मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूंगा। आशा करता हूं आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और लाइक ठोक दो, और क्या बोला अभी खेम्पू के लिए एक कमेंट कर दो कॉन्ग्रेचुलेशन करके। सो सही, अभी फिलहाल मैं इस ब्लॉग को करूँगा यहीं पर एंड, और आशा करता हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं तो ऐसा ही ब्लॉग पर अपना ख्याल कैसा है कैसा नहीं है मैं आते रहूँगा। सो सही है।